डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठा चैप्टर चल रहा है हमारा दोरवणी, जिसमें हम पहला हिस्सा कल देख चुके। क्या देखा हमने पहले हिस्से में? हमने इसके पहले हिस्से में दोरवणी की तारीफ़ देखी, उसकी खसूसियात देखी, और उसके एलिमेंट्स में हमने उसका पहला एलिमेंट्स देखा था सुपरविज़न, निरीक्षण। आज हम उसके दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिसका नाम है अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण का मतलब क्या है? इच्छित कार्य ने पार पड़वा પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયાને અભિપ્રેરણ કહે છે। સબસે પહેલે તો અભિપ્રેરણ યાને મોટિવેશન, હોસલા અફઝાઈ। અબ ઇસકી તારીફ દેખો કે હમ જો કામ ચાહ રહે હૈ ઉસકો પૂરા કરને કે લિયે ખુદ કો ઓર દૂસરો કો હમ જો હિંમત દેતે હૈ જો હોસલા દેતે હૈ ઉસે કહેંગે હોસલા અફઝાઈ। અચ્છા, અબ जूसियस ने इसकी तारीफ़ तो दी, लेकिन मॉर्गन ने थोड़ी अलग बात कही। मॉर्गन ने क्या कहा? अभिप्रेरण ए मननी एवी स्थिति छे कि जे कर्मचारियों ने लक्ष्य तरफ दौरी जाए छे। मॉर्गन ने क्या कहा कि मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई मन की एक ऐसी कंडीशन है जो मुलाजिमों को, लेबर्स को, हमारा जो गोल है उसकी तरफ लेकर जाता है। अब हम देखेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण की खसूसियात। सबसे पहले इसकी खसूसियात क्या है? आंतरिक प्रेरणा है ना, कि आंतरिक प्रेरणा हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलनी चाहिए? अंदर से। मोटिवेशन कैसी होनी चाहिए? अंदरूनी होनी चाहिए। कैसे? हमें अंदर से लगना चाहिए कि हमें क्या कमी रह गई है, क्या खुट रहा है, उसको पूरा करने के लिए हमें हमारे अंदर से मोटिवेशन खुद में क्रिएट करना होगा। फिर मनोवैज्ञानिक ख्याल कि ये एक कैसा कॉन्सेप्ट, एक कैसा ख्याल है, ये नफ्सियाती ख्याल है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान की जो मेंटल कंडीशन है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। और जिसकी मेंटल कंडीशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग, उसकी आंतरिक प्रेरणा, उसकी जो अंदरूनी मोटिवेशन है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग। तीसरी इसकी खसूसियात क्या है? कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वधारो, मुलाजिमों के काम करने की कुव्वत में इजाफा। क्योंकि आपकी हौसला अफजाई होगी तो जाहिर है कि आप काम की तरफ रागिब होगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, आपके जो काम करने का तरीका है उसमें सुधार आएगा। सतत प्रक्रिया कि मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। फेर बदली दरमा घटाड़ो कि जब हमारा जो लेबर है वो हमारे यहाँ अगर मन लगा कर काम कर रहा है, उसे काम करने की कुव्वत में इजाफा हो गया है, तो फिर हमारे जो मुलाजिमों की फेरबदली होती रहती है, हमें उनको बार बार चेंज करना होता है, उसमें कमी आएगी। उद्देश्यों की प्राप्ति, हम हमारे मकसदों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र, बड़े पैमाने पर फैला हुआ शोबा है। परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र ने अनुरूप कि हमने इससे पहले देखा था कि टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, डिमांड्स में बदलाव आते हैं, है ना। तो जब कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव को हम किसके ज़रिए पूरा कर सकते हैं? उस बदलाव को हम मोटिवेशन, अभिप्रेरण, हौसला अफजाई के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। सहयोग प्राप्त करवानु साधन कि हम हौसला अफजाई के ज़रिए हमारे जो दीगर कलीग्स हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनका साथ दे सकते हैं, उनको जो कहीं पे कन्फ्यूज़न आ रहा है उसको दूर कर सकते हैं। हकारात्मक अभिगम, पॉजिटिव वे में हम काम करेंगे। क्यों पॉजिटिव वे में क्या काम करेंगे? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अब उसको किसी ने नोट किया, तो जाहिर है कि हमारी हौसला अफजाई हुई। जब हमारी हौसला अफजाई होंगी तो हम नेचुरली पॉजिटिव वे में काम करेंगे। और लास्ट है संचालन एक कार्य कि जैसे ये मैनेजर्स का काम होता है मनसूबा करना, इंतज़ाम करना, स्टाफिंग करना, वैसे ही हौसला अफजाई भी संचालन का ही एक काम हुआ। इसके बाद आगे आता है मास्लोनी जरूरियातों अग्रता क्रम। यह हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, क्योंकि छठे सबक में से विभाग ई में एक क्वेश्चन आता ही है। फिर वो ये भी हो सकता है कि दोरवणी एटले शू तेनी लाक्षणिकताओ जणावो, या फिर वो ये भी हो सकता है कि मास्लोनी जरूरियातों अग्रता क्रम समझाओ। देखो, इंसान की जो ज़रूरत होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है ना। इंसान की ज़रूरतें, उसकी मेंटल कंडीशन
के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसी उसकी मेंटल कंडीशन है वैसी वो उसकी ज़रूरतें तय करेगा। इंसान क्या करता है, जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती ना तो खुद ब खुद वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अब्राहम मास्लो, इन्होंने 1943 में अपना एक सिद्धांत, अपना एक उसूल पेश किया। उस उसूल का नाम क्या था, अंडरलाइन करेंगे, मानवीनो अभिप्रेरणनो सिद्धांत, इंसानी हौसला अफजाई का उसूल, कि आप इंसान की हौसला अफजाई कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कर सकते हो। अच्छा आप कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो। उन्होंने क्या किया, इंसानी ज़रूरतों को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे पहले इंसानी ज़रूरत कौन सी है, शारीरिक अथवा प्राथमिक ज़रूरियात, कि हमारी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो हमारी प्राइमरी ज़रूरत है। अब जिस्मानी ज़रूरतें कौन सी होती है, सबसे पहले तो खाना, पानी, कपड़े, घर। क्यों, क्योंकि हमें हमारे जिस्म को टिका हुआ रखने के लिए किसकी ज़रूरत है, खाने और पानी की ज़रूरत है ना। फिर जो मौसम में चेंजेस आते रहते हैं इससे बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। हमें हमारे जिस्म को ढकने के लिए किसकी ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। तो ये चार जो ज़रूरतें हैं ये कैसी है, बिल्कुल बेसिक है, प्राइमरी है। इसीलिए अब्राहम मास्लो ने इन्हें कौन सी ज़रूरत कहा, जिस्मानी ज़रूरत कहा या प्राइमरी ज़रूरत कहा। इसके बाद आता है सलामती की ज़रूरत। सलामती की ज़रूरत यानी क्या, चलो अब आपकी प्राइमरी जो ज़रूरत थी वो तो पूरी हो गई है ना, अब आपको सलामती चाहिए। कैसी सलामती चाहिए, शारीरिक सलामती कि भाई मेरा जिस्म सलामत रहे, नौकरी की सलामती कि जो मेरी जॉब है वो सलामत रहे, जोखिमों सामे रक्षण, आप क्या चाहते हो कि कोई भी खतरात से आप कैसे रहो, महफूज रहो। इसके लिए आप क्या करते हो, अपने जिस्म को सलामत रखने के लिए आप खुद का ध्यान रखते हो है ना, बीमा ले लेते हो कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह में खाता खोल लेते हो। इससे क्या होता है, इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, इससे हमें जहनी सुकून हासिल होता है। इसके बाद आता है सामाजिक ज़रूरियात, हमारी सोशल नीड्स, जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो। सामाजिक ज़रूरियात यानी क्या, कि हम सब जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे मानवीय सामाजिक प्राणी है, कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसके खुद का परिवार है, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, जो किससे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो हमें हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से क्या होती है, मोहब्बत होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारा समाज, ये हमसे मोहब्बत करें है ना, ये हमारी रिस्पेक्ट करें। तो ये सामाजिक ज़रूरियात लेकिन आपकी कब होगी, जब आपकी नौकरी सलामत रहेगी। देखो आप एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है, पहले आपके पास कपड़े रोटी आ गई, फिर आपने जॉब ढूंढी, अब आपको जॉब मिल गई, अब आप क्या चाहते हो कि उस जॉब की वजह से आपकी इज्जत हो समाज में, वो हुई आपकी सामाजिक ज़रूरियात। उसके बाद उन्होंने कहा सम्मान और प्रतिष्ठा की ज़रूरियात। सम्मान और प्रतिष्ठा यानी कैसा, कि मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपसे जो आला दर्जे के लोग हैं, जो आपसे आला सतह पर काम करते हैं, वो क्या करें, आपको सम्मान दें, आपकी इज्जत करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना होगा, अपने काम को बेहतर तरीके से करना होगा। तो हमारी चौथी ज़रूरियात कौन सी हुई, सम्मान और प्रतिष्ठा की ज़रूरियात। उसके बाद हमारी पांचवी ज़रूरियात कौन सी है, आत्मसम्मान अने आत्मसिद्धि की ज़रूरियात। ये सबसे टॉप लेवल की ज़रूरत है। टॉप लेवल की ज़रूरत इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इंसान को सब मिल गया, कपड़े मिल गए, खाना मिल गया, घर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, उसने बीमा ले लिया है, अपना अकाउंट खोल लिया है, समाज में उसकी रिस्पेक्ट है, वो जहाँ पर काम करता है वहाँ के लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। तो अब इंसान क्या चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो लाइफ में कभी किसी ने ना किया हो, वो कुछ यूनिक करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप तबला बजाने में देखो तो जाकिर हुसैन जैसा बेस्ट कोई नहीं हुआ,
है ना। आप एक्टिंग में देखो तो अमिताभ बच्चन जैसा कोई नहीं हुआ, आप क्रिकेट में देखो तो सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं हुआ, आप सिंगिंग में देखो तो लता मंगेशकर जैसा कोई नहीं। ये क्या है, यूनिक है, अपने फील्ड में यूनिक है। तो ये हम सब में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई हुई होती है कि हम जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में हम कुछ इतना यूनिक करें कि उस फील्ड के साथ हमारा नाम जुड़ जाए। ये हमारी कौन सी ज़रूरत है, ये हमारी आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि की जरूरत है। हम चाहते कि ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, आत्मसम्मान की बात होती है कि दूसरे तो हमारी इज्जत करेंगे ही करेंगे लेकिन हम खुद की भी इज्जत करेंगे कि नहीं, मैंने जो किया है वैसा किसी ने नहीं किया है, मैंने सबसे यूनिक किया है, मैंने कुछ नया किया है, अलग किया है। लोग तो हमारी इज्जत करेंगे ही करेंगे, हम खुद भी खुद की इज्जत करेंगे कि नहीं, मैंने जो किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया था। तो अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है, जो उसूल है, हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप इसको तस्वीर के साथ एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में यानी कि मंगल के दिन इंशाल्लाह फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स